वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा बिट्स। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे काउंट फंक्शंस के बारे में। काउंट के अंदर डिफरेंट काइंड के फंक्शंस हैं, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट प्लाइंग, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। सबसे पहले समझते हैं काउंट फंक्शन। काउंट का इस्तेमाल कब होता है? काउंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी न्यूमेरिक एंट्रीज के बारे में पता करना होता है। मान लीजिए एक सीरीज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ब्लैंक, टेक्स्ट है ब्लैंक है, लॉजिकल वैल्यूज एरर्स हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा। इसका सिंटेक्स होगा काउंट रेंज वन या वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री पूरा, और इसी तरह से रेंज वन रेंज टू, अगर चाहे मल्टीपल रेंज है तो मल्टीपल रेंज। चलिए अब सेकंड हम जानते हैं काउंट ए। काउंट ए क्या होता है? काउंट ए का इस्तेमाल तब होता है जब हमें न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यूज को के काउंट को पता करना होता है। ये इग्नोर कर देगा ब्लैंक वैल्यूज को। तीसरा फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है? काउंट ब्लैंक एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए हम सिर्फ ब्लैंक सेल्स के काउंट को जानना चाहेंगे तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए भी हम काउंट ब्लैंक और रेंज वन रेंज टू करके इसके जो सिंटेक्स होगा ये इस तरह से बनेगा। अब काउंट इफ है चौथे नंबर पे। काउंट इफ क्या होता है? काउंट इफ का इस्तेमाल क्या होगा? तो काउंट इफ का इस्तेमाल हम कुछ इस तरह से करते हैं जब हमें किसी भी एक सीरीज के अंदर मुझे पता करना हो एक क्राइटेरिया के साथ कि इस पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है वो कितनी दफ़ा आया है, ये कितनी दफ़ा है, ये कितनी दफ़ा ज़्यादा है, कितनी दफ़ा कम है, इस वैल्यू से ज़्यादा, इस वैल्यू से कम, तो हम काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। फिर काउंट इफ का इस्तेमाल कब करेंगे? काउंट इफ्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हों। जैसे मान लें हम ये कहना चाहते हैं कि 8 तारीख के बाद मिस्टर एक्स का कितनी बार एंट्रीज था इसके अंदर। अगर इस तरह की वैल्यू हमें पता करनी होगी तो फिर हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल करते हैं। काउंट के लिए मैं सिंटेक्स बताना चाहूँगा। काउंट इफ का फंक्शन है, जो काउंट इफ का हमारा सिंटेक्स है वो है रेंज ऑफ क्राइटेरिया टू बी काउंटेड और क्राइटेरिया टू बी मैच्ड। और काउंट इफ के लिए क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया टू, इस तरीके से। चलिए अब हम इसे एक्सेल में चेक करते हैं कि एक्सेल में हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर तीन कॉलम्स हैं, डेट है, मशीन है, प्रोडक्शन है। यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 तारीख का डेट है, ठीक है, मशीन वन और मशीन टू की प्रोडक्शन का यूनिट्स है, कितना कितना प्रोडक्शन करा, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे इसे नोट किया गया है। जैसे 1 तारीख को मशीन नंबर वन ने 5 प्रोडक्शन करे, फिर उसी तारीख को सेकंड बार में कोई वैल्यू शायद कैप्चर नहीं हो पाया, थर्ड टाइम मशीन वन ने 4 प्रोडक्शन उसका कैप्चर है। इस तरीके से जैसे 2 तारीख को हम देखते हैं मशीन हमारा 2 है जिसकी वैल्यू ब्लैंक है, तो शायद वो कैप्चर नहीं हो पाया। इस तरीके से ये हमारा अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर थर्ड को देखते हैं मशीन टू की वैल्यू ABC लिखी है, तो शायद किसी ने गलत एंट्री डाल दी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी हैं, टेक्स्ट वैल्यू भी हैं और ब्लैंक वैल्यूज भी हैं। अब आइए हम इस फॉर्मूले को कुछ इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि काउंट का हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता करनी हो। तो ये हमारा सीरीज है, लिस्ट है, यानी C2 टू C31। काउंट का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, ये काउंट 26 दिखा रहा है, यानी ये कहता है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल एंट्रीज जो हैं वो 26 टाइम्स हैं। चलिए अब हम इसे मैनुअली चेक करते हैं। तो हमने ये टेक्स्ट की वैल्यू, ये टेक्स्ट की वैल्यू और ये ब्लैंक हटा दिया,
इस तरीके से ये 26 हम यहाँ देखते हैं, ये 26 है, तो हमने इसे ये सही तरीके से इस्तेमाल करा। चलिए अब काउंटे का इस्तेमाल करते हैं। काउंटे का डिफिनेशन क्या कहते हैं? काउंटे तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू पता करनी हो या फिर कोई टेक्स्ट वैल्यू साथ में पता करनी हो। ये सिर्फ ब्लैंक को छोड़ देगा और कोई एरर होगा तो छोड़ देगा। तो काउंट ए का हमने इस्तेमाल करा, तो हमने ये हमारा सीरीज है। C2 to C31 इस तरह से देखते हैं हम काउंट ए जो है वो 28 का वैल्यूज रहता है। तो हम चेक करते हैं, हम रखेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज को और टेक्स्ट वैल्यूज को, ब्लैंक को हम यहाँ पे हटा देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये 28 का वैल्यू यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी हमने सही निकाला। अब काउंट ब्लैंक हम देखते हैं। काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कब होता है? जब हमें किसी भी सीरीज में ब्लैंक एंट्रीज को पता करना हो। तो ये हमारी सीरीज है अगेन C2 to C31। हम यहाँ पर पता करेंगे कितने ब्लैंक हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं 2 ब्लैंक हैं। फिर हम चेक करते हैं इसे अपने सीरीज में, हम सारे वैल्यूज हटा देंगे, सिर्फ ब्लैंक रखेंगे। तो 1 और 2 ये ब्लैंक वैल्यूज है, तो ये भी हमने सही किया। अब काउंट इफ का इस्तेमाल, हमने जैसे कहा काउंट इफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये पता करना हो कि कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमारे रेंज में कितनी दफ़ा आया है। तो चलिए एक काउंट इफ का हमने फॉर्मूला लगाया, हमें रेंज के बारे में पता करना है। तो यहाँ पे हम रेंज जो लेंगे वो machine 1 और machine 2 कर लेते हैं, या फिर हम ले सकते हैं डेट का ही, किसी एक पर्टिकुलर डेट की एंट्री कितनी दफ़ा हुई है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 तारीख, 2 तारीख को, 2 तारीख को कितनी बार 2 तारीख की एंट्री दिख रही है हमें। तो हमने पहले रेंज लिया और देन क्राइटेरिया लिया, तो यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं 2 कितनी बार आया है, 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये वैल्यू 6 दफ़ा आई। हम इसे अगर दूसरा एग्जांपल भी लेना चाहें तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं काउंट इफ। जैसे हम मशीन को देखना चाहते हैं कि machine 1 कितनी दफ़ा एंट्री हुई है। चलिए machine 1 15 दफ़ा एंट्री हुई है, ये फॉर्मूला कहता है। मैनुअली भी चेक कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से अगर हम मैनुअली चेक करें तो हम पाते हैं 15 दफ़ा, और ये फार्मूला भी हमें कहता है कि 15 दफ़ा ही हुआ। चलिए अब आखिरी दफ़ा हम जो लास्ट बचता है वो है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स कब यूज़ करते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है? जैसे कि हमने पहले डिफिनेशन बताया आपको, काउंट इफ्स जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हम किसी वैल्यूज को अगर पता करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए काउंट इफ्स इस्तेमाल करते हैं हम। काउंट इफ्स का फॉर्मूला, काउंट इफ्स से क्राइटेरिया रेंज सबसे पहले आएगा, फिर क्राइटेरिया बनाएगा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया 2 आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, हम लेते हैं डेट का रेंज और ये पता करने हैं 2 तारीख। अब क्राइटेरिया 2 मशीन में जाते हैं, मशीन का रेंज लेते हैं और यहाँ पे पता करते हैं machine 1। तो ये वैल्यू हम ये पता करना चाहते हैं कि 2 तारीख को machine 1 की कितनी दफ़ा एंट्री हुई है, कितनी दफ़ा वो 2 तारीख को आया है। इस तरीके से हम चेक करते हैं तो ये 3 की वैल्यू हमें बताते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं 2 तारीख machine 2 की एंट्री कितनी दफ़ा है, 1 2 3 दफ़ा। तो सर ये फार्मूला भी हमें वही बताता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने डिस्कशन करा काउंट के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, जो कि काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको बहुत हद तक क्लेरिफिकेशन हो चुका होगा काउंट फंक्शंस के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे फेसबुक पे भी लाइक करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू।